नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कैबिनेट की एक वर्चुअल बैठक करेंगे। कैबिनेट बैठक में लॉकडाउन समेत प्रदेश में कोरोना से बिगड़ते हालातों से निपटने के लिए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार लॉकडाउन पर विचार कर सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस जमकर कहर बरपा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है, जिस कारण रविवार को कोरोना संक्रमित 44 लोगों की मौत हुई, जबकि 4,368 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। जानकारी के लिए हमारे साथ में देहरादून से हमारी संवाददाता साक्षी सहानी लाइव जुड़ चुकी हैं। साक्षी, जानना चाहेंगे आपसे, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ये जो बैठक है, इस बैठक के अंदर कोरोना से बिगड़ते जो हालात हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी, और साथ ही साथ किस प्रकार से राज्य को कोरोना की इस आपदा से बाहर निकाले उस पर भी विचार विमर्श होगा। क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर है साक्षी? बिल्कुल उमंग, देखिए मंत्रिमंडल की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बैठक होने वाली है, जो वर्चुअल माध्यम से होगी और कुछ ही मिनटों में ये बैठक शुरू हो जाएगी। और इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय, जिस तरीके से आपने बताया कि कोरोना के लिहाज में महत्वपूर्ण निर्णय जो है लिए जा सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार उत्तराखंड में फैल रही है, देखा जा सकता है कि तमाम जो है लोग इससे परेशान है, त्राहीमाम का कहीं ना कहीं माहौल जो है बना हुआ है। और अगर बात करी जाए देहरादून की, ऊधम सिंह नगर की, हरिद्वार की, नैनीताल की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है संक्रमित मिल रहे हैं। इसके लिहाज में हो सकता है कि आज लॉकडाउन से संबंधित भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए, या इसके अलावा कोरोना से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं उस पर पूर्ण विचार भी हो सकता है, और इसके अलावा उसमें फेरबदल भी की जा सकती है, या फिर कुछ और महत्वपूर्ण जो है गाइडलाइंस आ सकती है उमंग। वहीं अगर बात करी जाए विभिन्न जो नियमावली है उसमें संशोधन भी हो सकता है, जो कि अक्सर हर कैबिनेट में देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो है जिस तरीके से रफ्तार जो है कोरोना पकड़ रहा है, तो स्वास्थ्य सुविधा किस तरीके का और ज्यादा इजाफा करा जा सकता है, जैसे अलग अलग वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा भी देखा जा सकता है कि कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, विपक्ष भी साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में इन सबका निचोड़ कहीं ना कहीं अब आज कैबिनेट में देखने को मिलेगा। और उमंग, जिस तरीके से भयावह स्थिति उत्तराखंड में बनी हुई है, तो कह सकते हैं कि कोरोना के लिहाज में बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट है आज की, और कुछ ही देर में इस कैबिनेट का सारा निष्कर्ष जो है सामने आ जाएगा। उमंग, बिल्कुल साक्षी, इस बैठक के अंदर क्या जो वैक्सीनेशन है वो भी एक प्रभावी ढंग से उत्तराखंड के अंदर उसको चलाया जाए, इस बारे में भी कोई बातचीत हो सकती है? क्योंकि कई राज्यों से इस प्रकार की बातें आ रही हैं, कहीं कहीं पर वैक्सीन के कम पड़ने की भी बात आ रही है, कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की बात की जा रही है, कहीं पर आईसीयू में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू नहीं है, उसको लेकर भी बात की जा रही है। तो क्या इन सब बातों को भी इस बैठक में रखा जाएगा? बिल्कुल उमंग निश्चिंत, क्योंकि देखा जा सकता है जिस तरीके से जो है स्वास्थ्य सुविधा है, अगर बात करी जाए जिस तरीके से आपने बताया आईसीयू की, वार्ड्स की, और तमाम अगर वेंटिलेटर्स की बात करी जाए तो उनकी कमी जो है सामने लगातार आती रही है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं विचार हो सकता है किस तरीके से केंद्र से सारी चीजों को मांगना है और कितनी क्वांटिटी में सारी चीजें आनी है। इसके अलावा अगर बात करी जाए वैक्सीनेशन की, तो जिस तरीके से न्यूज इंडिया लगातार जो है अपील कर रहा था सरकार से कि वैक्सीन को यूथ ओरिएंटेड बनाए, और सरकार ने कहीं ना कहीं इस पे फैसला भी लिया और 18 वर्ष से जो है अब 1 मई से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, तो उसके तहत देखा जा सकता है कि और भी कहीं ना कहीं एज में जो आगे वैक्सीन लगनी है, अगर 45 वर्षीय से जिस तरीके से ऊपर वैक्सीन लगती आई है, उसके अलावा भी हो सकता है कि और सुचारू रूप से वैक्सीन को किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए उस पर भी विचार हो सकता है। देखिए वैक्सीन को लेकर भी लगातार जो है लोगों के मन में विचार रहे हैं, टालमटोल कहीं ना कहीं लोगों के मन में रही है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर ह्यूमर्स भी बहुत सारे उठे हैं। तो इसके तहत देखा जा सकता है कि जागरूकता किस तरीके से वैक्सीन के प्रति जनता के मन में लाई जाए उस पर भी सरकार काम कर सकती है, और उसके अलावा किस तरीके से जो है वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगे उस पर भी विचार हो सकता है। क्योंकि देखिए लगातार जो है जब भी उत्तराखंड में वैक्सीन की खेप खत्म हुई है, तो केंद्र से जब भी वैक्सीन मंगाई है, तो वैक्सीन आने में थोड़ी देर तो हुई, लेकिन हाँ वैक्सीन जो है उत्तराखंड को मिली है, यानी कह सकते हैं कि उत्तराखंड पे केंद्र की भी पैनी नजर है, और केंद्र भी ये चाहता है कि उत्तराखंड से
देवभूमि से कोरोना जो है जल्द से चला जाए और सब लोग वैक्सीनेट हो जाए ताकि किसी पर भी जो है ये घातक जो प्रभाव है कोरोना का वो ना पड़े। इसके तहत हो सकता है कि और वैक्सीन की खेप मंगाने पर केंद्र से बातचीत भी हो सकती है। इसके अलावा आगे किस तरीके से वैक्सीन लोगों तक लगनी है उस पर भी विचार हो सकता है उमंग। बिल्कुल साक्षी, और एक आखिरी सवाल आपसे, ये हमने पहले भी इस बारे में चर्चा करी है कि उत्तराखंड की जो हम कह सकते हैं जो मुख्य आमदनी का जो स्रोत है वो पर्यटन व्यवसाय ही है, तो ऐसे में जैसा कि अभी भी आज भी एक महत्वपूर्ण शाही स्नान हर की पौड़ी में किया जाएगा और साथ ही साथ आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जो एक धार्मिक यात्राएं जो शुरू होने वाली हैं उत्तराखंड में, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, पर्यटन को देखते हुए, क्या आने वाले टूरिस्ट के लिए और उन टूरिस्ट से कहीं कोरोना का संक्रमण और ना आ जाए, उस उन सब बातों को देखते हुए क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिया जा सकता है? साक्षी, बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से जो है पर्यटन कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है इस दौर में, क्योंकि देखिए ये जो समय था, अगर कोरोना को हटा के देखें तो ये समय उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उत्तराखंड की जो ज्यादा राजस्व है वो पर्यटन से आता है। तो जिस तरीके से कोरोना के चलते पर्यटन में कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है तो उस पर सरकार विचार कर सकती है, और साथ में जिन लोगों की आमदनी ही पर्यटन से होती थी, अगर हम मसूरी की बात करें जो सबसे बड़ा पर्यटन स्थल माना जाता है, वहां पे अगर जो छोटे विक्रेता है उनकी बात जाए तो उनको इस कोरोना के दौर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके चलते सरकार उनके बारे में भी सोच सकती है। और जिस तरीके से अब जो है नई गाइडलाइंस आई हैं जिसके चलते पर्यटकों का ज्यादा आना जो है उत्तराखंड में नहीं हो पाएगा, इसके चलते किस तरीके से जो है फाइनेंशियली अगर देखा जाए स्मॉल स्केल वर्कर को किस तरीके से सपोर्ट करना है उस पर भी सरकार जो है विचार कर सकती है। और इसी के साथ क्योंकि पर्यटन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कटा है उत्तराखंड से, अगर बात करी जाए आंकड़ों की तो आंकड़ों को देखते हुए भी, तो उसको किस किसे कम करना है उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार विचार कर सकती है उमंग। जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं अभी जैसा कि आपने भी बताया कुछ देर बाद में ये बैठक शुरू होने वाली है और अपने आप में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कोविड जिस प्रकार से फैल रहा है उत्तराखंड में उसे देखते हुए तमाम चीज़ों पर डिस्कशन होना बाकी है, भले ही फिर वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, पर्यटन व्यवसाय को लेकर हो, या फिर राज्य की जनता को किस प्रकार से इस कोरोना संक्रमण से जल्द दूर किया जाए उसको लेकर हो। और आपको बता दें कि आपदा प्रभावित सुमना में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, रेस्क्यू के दौरान घटनास्थल से 2 शव बरामद किए गए हैं जिसके बाद मृतकों की संख्या 15 हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को भी 2 शव बरामद हुए थे, तो वहीं रविवार को वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर द्वारा सुमना से कुल 11 शव रेस्क्यू कर जोशीमठ लाए गए थे और अभी भी प्रभावित क्षेत्र में 6 मजदूर लापता चल रहे हैं। सुरक्षित बचे 384 मजदूरों को सेना कैंप में शरण दी गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता सत्येंद्र पुंडीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि अभी और 2 शव बरामद किए गए हैं और जाहिर सी बात है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है। एक आपदा से अभी कुछ ही दिन पहले हम निकले थे कि अब उत्तराखंड में एक और आपदा यहाँ पर घटित हो गई है। सत्येंद्र, क्या कुछ कहना है और इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? उमंग, देखिए आपदा का आज 4th दिन है, तो आज कुल मिलाकर जो ताजा जो वहाँ अपडेट आया है 15 जो डेड बॉडी है उनको रिकवर कर लिया गया, साथ ही वहाँ पे जो ITBP और सेना है और SDRF की जो टीमें हैं और जो स्थानीय जो प्रशासन है वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और जो लोग वहाँ पे फंसे हैं उनको भी रेस्क्यू करने का जो काम है वो लगातार जोरों पे है, और साथ ही जो 384 जो मजदूर थे उनको तो रविवार को ही सकुशल बरामद कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहाँ ग्लेशियर के नीचे दबे हो सकते हैं, उनको खोजने का काम वहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही जो सेना के जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार हवाई सर्वे वहाँ पे कर रहे हैं और खुद चमोली जो DM है भदौरिया वो वहाँ पे खुद उसका निरीक्षण कर रही है और वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि जल्द से जल्द जो वहाँ पे जो लोग हैं उनको किस तरह से वहाँ से निकाला जाए, और जो रेस्क्यू है उसमें लगातार तेजी लाई जा रही है। खुद वहाँ पे मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पे 100 फंसे हैं उनको निकाला जाए, और यहाँ पे प्रशासन भी काफी मुस्तैदी से यहाँ पे आपदा क्षेत्र में वहाँ पे रेस्क्यू का काम लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से लगातार ये दूसरी हम कह सकते हैं कि
एक दूसरा हादसा चमोली में घटित हुआ है या चमोली के आसपास घटित हुआ है, और उत्तराखंड की अगर बात करें तो दूसरा झटका है हम कह सकते हैं उत्तराखंड के लिए। पहले हादसे से अभी उभरे भी नहीं थे कि ये दूसरा हादसा फिर से हो गया। आपसे जानना चाहेंगे सरकारी स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ इस प्रकार की योजना कुछ ऐसी चल रही है कि जो बढ़ती जो आपदाएं हैं उत्तराखंड में विकास के नए कार्यों के कारण, और जाहिर सी बात है विकास भी जरूरी है, लेकिन फिर भी इन बढ़ती आपदाओं पर रोक लगाने के लिए या फिर समय से हमें अगर पता पड़ जाए ताकि जो जानमाल की हानि होती है उससे हम बच सके, इसको लेकर क्या कुछ योजना वहां पर चल रही है? उमंग देखिए, जब सुमना में जब ये ग्लेशियर टूटा था उसके बाद जो नदी के जो प्रोजेक्ट हैं, पावर प्रोजेक्ट हैं, जो चमोली जिले के जितने भी जो पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे चलते हैं, तो फिलहाल जो जितने भी पावर प्रोजेक्ट थे उनको अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है, ताकि अगर नदी का जो जल स्तर आमतौर पर बढ़ रहा है, नदी का जो जल स्तर बढ़ने के कारण क्षति हो सकती है, तो इस कारण यहाँ पे जो जो भी पावर प्रोजेक्ट थे फिलहाल सरकार द्वारा उनको यहाँ पे बंद कर दिया गया है, अस्थायी रूप से अभी बंद किया गया है, फिलहाल स्थायी रूप से उसको बंद नहीं किया, लेकिन आपदा की दृष्टि से सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी पावर प्रोजेक्ट है फिलहाल उन पे काम नहीं किया जाए, और जो वहाँ पे लोग हैं वो वहाँ से उनको हटा दिया गया है। फिलहाल विकास की अगर मैं बात करूं तो अकेले चमोली जिले में कई ऐसे पावर प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे चलते हैं, लेकिन बहुत ही संवेदनशील चमोली जिले को यहाँ पे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगातार ऐसी जो आपदाएं हैं वो आती रहती है। इससे पहले 2 महीने पहले रैणी में आपदा आई थी, उसमें भी कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और फिर उसके बाद सुमना टो में शुक्रवार को आपदा आई, तो ऐसे में यह क्षेत्र का भी संवेदनशील आपदा के हिसाब से कहा जा सकता है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए, अपडेट के लिए आपसे एक बार फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में जहां एक ओर कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दिनेशपुर में कोरोना के साथ साथ अव्यवस्थाओं का अंबार भी देखने को मिल रहा है। और आलम यह है कि लाखों की आबादी वाले क्षेत्र दिनेशपुर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ एक ही डॉक्टर है, और वो डॉक्टर भी कोरोना से संक्रमित हो गया। ऐसे में अस्पताल के बाहर लंबी लाइनें तो है ही, लेकिन डॉक्टर के ना होने से सिर्फ नर्सों के भरोसे कोविड वैक्सीनेशन और जांच का काम चल रहा है। ग्रामीण लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में 2 कैबिनेट मंत्रियों के आवास तो हैं, लेकिन यहां तब भी चिकित्सक की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में लोगों की सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द अस्पताल में चिकित्सक की नियुक्ति की जाए। दिनों दिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हम सबको पता है कि लाशों के ढेरों के ढेर लाश जल रहे हैं, ठीक है। और दिनेशपुर की अगर स्थिति की बात की जाए तो दिनेशपुर जो प्राथमिक हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक तो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, सेकेंड थिंग क्या है कि यहाँ जो महिला डॉक्टर एक होना चाहिए यहाँ पर वो नहीं है, और लाखों के तादाद में जितने भी क्या कहते हैं वैक्सीन लगाने के लिए लोग आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं अपने घरों में। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कैबिनेट मंत्री से कि यहाँ पर सर्विस मुहैया कराया जाए, डॉक्टरों को यहाँ अवेलेबल कराया जाए, ताकि ये जो समस्या तमाम सारी समस्या आ रही हैं इनसे हमें निजात मिले। मैं समय उधमसिंह जिले के दिनेशपुर क्षेत्र में हूँ। जो मेरे पीछे हॉस्पिटल है ये श्री पुलिन विश्वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग लाखों की आबादी वाले क्षेत्र में ये हॉस्पिटल है, लेकिन किसी लंबे समय से एक ही डॉक्टर के सहारे पर ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा, कोई भी इमरजेंसी केस हो या कोई डिलीवरी के लिए पर आते हैं तत्काल इनको रिफर कर देते हैं अल्लावानी या रुद्रमुखी, और कई मरीज जो रास्ते में दम भी तोड़ देते हैं क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं है, कोई भी विशेष सुविधा नहीं है। अब मेरे पीछे देखें कितने लंबे लंबे लाइन लगी हुई है, इन लोगों को कोरोना का टीका लगाना है, लेकिन डॉक्टर लाने का काफ़ी दिक्कत आ रही है। नर्स इस टाइम नर्स के भरोसे में चलाया जा रहा है, साथ ही साथ एक डॉक्टर है वो भी कोरोना पॉजिटिव है। और यहाँ के स्थानीय लोगों, व्यापारी मंडल या स्टूडेंट या कई संगठन यहाँ के स्थानीय जो कैबिनेट मंत्री अर्जुन पांडे से गुहार लगा चुके हैं कि सर एक डॉक्टर की व्यवस्था करवा दें, लेकिन केवल राम भरोसे में चल रहा है, केवल आश्वासन हाँ करेंगे करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड के जो तीरथ सिंह रावत, उनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अब देखना कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसको गंभीरता से लेते हुए कब तक यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे, तो आने वाले समय बताएगा।
उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण का कहर देखा जा रहा है, तो वहीं अगर बात करें उत्तराखंड के दिनेशपुर की, तो दिनेशपुर के क्षेत्र में पीएचसी की अगर बात करें तो वहां पर असुविधाओं का भरमार देखा जा रहा है। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि सरकार और प्रशासन उत्तराखंड के अंदर फैलते कोरोना से लड़ रहा है, जूझ रहा है और तमाम अपनी तैयारियों की भी बातें रोज निकल कर आती हैं, लेकिन उसके बाद भी अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा है कि दिनेशपुर में डॉक्टर ही कोरोना से संक्रमित हो गए और वहां पर भी वो सिर्फ एक अकेले डॉक्टर थे और अब दिनेशपुर का वो पीएचसी सिर्फ नर्सों के भरोसे ही चल रहे थे। वहीं इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ में मंडल अध्यक्ष भाजपा दिनेशपुर से अनादि रंजन जी जुड़ चुके हैं और किशोर कुमार हल्दार जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं। अनादि जी, किशोर जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार, धन्यवाद आपका जी। अनादि जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। उत्तराखंड सरकार और खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तमाम तरह के दावे तो करते हैं और साथ ही साथ कि कोरोना से लड़ने में हम जनता के साथ हैं और स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास ही उन्होंने रख रखा है, उसके बाद भी दिनेशपुर की एक पीएचसी का उदाहरण सामने आया है और सबसे बड़ी बात ये तो प्रकाश में आ गया, इसलिए इसके बारे में हमें पता है। और भी ना जाने उत्तराखंड में इस प्रकार की कितनी पीएचसी या सीएचसी होंगी जो भगवान भरोसे चल रही है। क्या कहना चाहेंगे अनादि जी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, हमारी सरकार निरंतर कोरोना से लड़ाई कर रही है। जहां तक दिनेशपुर हॉस्पिटल का सवाल है, अभी अभी डॉक्टर साहब कोरोना पेशेंट हो गए हैं, उसके बदले में उदयपुर से डॉक्टर को अवस्था किया गया। कहा सवाल महिला डॉक्टर की, बहुत जल्दी महिला डॉक्टर की नियुक्ति होने जा रही है और निरंतर क्षेत्रीय विधायक इस मामले में नजर गड़ाए हुए हैं। आज भी स्वास्थ्य विभाग के साथ उनका समूह से बैठक आज हमारे दल चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चल रहा है। लेकिन अनादि जी, माफ कीजिएगा आपको मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक छोटी सी बात आपसे हम जानना चाहेंगे। लगता है किसी तकनीकी खराबी की वजह से अनादि जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, खैर उनसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं। किशोर जी लगातार हमारे साथ बने हुए समाज सेवी हैं। किशोर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी अभी अनादि जी की भी आपने भी बात सुनी और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी परेशानी वहां पर आ रही है उसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी है। जहां तक बात महिला चिकित्सक की, उसकी भी नियुक्ति की बातें हो रही हैं या योजना बनाई जा रही है। सवाल किशोर जी ये बनता है कि आग लगने पर ही हमेशा कुआं क्यों खोदा जाता है? किशोर जी जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा और कहा कि आग लगने पे ही कुआं क्यों खोदा जाता है। दिनेशपुर एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ के जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। लगभग 1,00,000 की जनता इस क्षेत्र में निवास करती है और जब कोई भी ऐसी समस्या आती है, जैसे कोई भी महिला अगर अपने दिल्ली के लिए जाती है तो वो रेफर सेंटर कर देते हैं कि आप सीधे रुद्रपुर चले जाइए। अब एक बात बताइए, जब आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र है, वहां पर लोग डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए पहाड़ सा टूट पड़ता है, दुखों का अंबार टूट पड़ता है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर इससे पहले भी कई बार हम लोग यहाँ पे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी के पास भी लोग गए, उसे आश्वासन दे जाते हैं और दुर्भाग्य की बात है इस जिले में दो दो कैबिनेट मंत्री है, उसके बाद भी इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर इतने उदासीन क्यों है मुझे समझ में नहीं आता है। इससे पहले भी ये एक ही डॉक्टर है और इनका व्यवहार भी बहुत खराब रहता है। इस हॉस्पिटल में से डॉक्टर तक ही सीमित नहीं है, यहाँ पर कोई भी उच्चीकरण का साधन नहीं है, ना ही अल्ट्रासाउंड है, ना कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, ना ही यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा है, ना ही एक्सरे की सुविधा है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोग टीका लगाने आते हैं और वर्तमान समय में यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, राम भरोसे चल रहा है। जबकि ऐसे समय में जब पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही है, स्वास्थ्य की ओर सबसे ज्यादा ध्यान सरकार को देना चाहिए। ऐसे में एक इतने बड़े क्षेत्र में एक भी डॉक्टर का ना होना बहुत बड़े सवाल को जवाब देता है। आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल किशोर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं इस समय जहां पूरा देश इस भयंकर महामारी की चपेट में है, तो वहीं उत्तराखंड भी इसे अछूता नहीं है और 1,00,000 की जनसंख्या, जिस प्रकार से आपने बताया, करीब करीब 1,00,000 की जनसंख्या वाला क्षेत्र है दिनेशपुर और वहां की पीएचसी में डॉक्टर का ना होना तमाम स्वास्थ्य सेवाओं पर और राज्य सरकार की कोशिशों पर एक सवालिया निशान जरूर लगाती है। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए किशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि दिनेशपुर की पीएचसी का यह सारा मामला है और कहा जा रहा है कि दिनेशपुर में करीब करीब जो जनसंख्या है वहां की 1,00,000 की जनसंख्या है वहां पर और वहां की पीएचसी में इस कोरोना काल में जब पूरे देश में उत्तराखंड के हर जिले में हर गांव धाड़ियों में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, ऐसे में डॉक्टर का वहां पर ना होना काफी गंभीर विषय है।
चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जहां एक और कोरोना कहर बरपा रहा है, तो वहीं इस मुश्किल घड़ी में कई लोग इस महामारी से लड़ने के लिए आगे भी आ रहे हैं। और इसी क्रम में निरंकारी सत्संग भवन ने आगे आकर सत्संग भवन को कोविड सेंटर बनाने की सरकार से अपील की है, जहां कोविड मरीजों को रखा जा सके या फिर वैक्सीनेशन का काम किया जा सके, जो कहीं ना कहीं इस संकट की घड़ी में एक उम्मीद की किरण की तरह देखी जा सकती है। तो वहीं हमारी संवाददाता साक्षी सहानी ने सत्संग भवन में जाकर लिया इस पूरी खबर का जायजा। आइए आप भी देखिए। कहते हैं मुसीबत के वक्त जो हाथ मदद के लिए आ गया है, उसे ईश्वर का हाथ कहते हैं। वही हाथ बनकर संत निरंकारी भवन जो है राज्य सरकार के सामने आया है। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि क्योंकि कोरोना के संक्रमण जो है बढ़ता जा रहा है, हॉस्पिटल जो है खचाखच भरते जा रहे हैं, जिसके चलते आप हमारा भवन यूज करिए और इस भवन में आप कोविड सेंटर बनाइए या वैक्सीनेशन का काम शुरू करवाइए, ताकि जगह की जो है सरकार को कमी ना हो और संक्रमितों को कहीं ना कहीं बेड्स की जो कमी हो रही है उसकी भी कमी होने पर ना आए। यानी कह सकते हैं एक अच्छी पहल जो है संत निरंकारी भवन द्वारा ये चलाई गई है, जिसके चलते आप यहाँ पे ये पूरा हॉल देख सकते हैं। इतना बड़ा ये आपको हॉल दिखेगा। इस हॉल में जो है कम से कम 100 से ज्यादा जो है बेड्स लग जाएंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं संक्रमितों को यहाँ पे आराम से रखा जा सकता है, डिस्टेंसिंग बना के, ताकि और ज्यादा संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़े ना। यानी एक बहुत ही अच्छी पहल जो है इस भवन द्वारा कराई गई है। वहीं अभी सरकार का इस पे आगे निर्णय आना बाकी है, लेकिन अपना प्रस्ताव ये लोग रख चुके हैं कि इसको आप उपयोग करिए। क्योंकि देखिए जिस तरीके से निजी अस्पताल और दून अस्पताल पूरे खचाखच होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके चलते एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसको कह सकते हैं कि अगर इसका प्रस्ताव जो है सरकार मान लेती है, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमित हैं उन्हें रखने में कहीं ना कहीं सुविधा जो है सरकार के सामने होगी। और वहीं अगर बात करी जाए डिस्टेंसिंग की, तो डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण पालन होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये हॉल इतना बड़ा है, इसके चलते कहीं ना कहीं सुविधाएं जो है कोरोना संक्रमितों को मिल सकती है। अपने सहयोगी आशीष के साथ में साक्षी सानी, न्यूज इंडिया, देहरादून। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।